अब हम एक और थ्योरम कर लेते हैं, थ्योरम नंबर थ्री, लेट जी बी ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। जी हमने एक ग्रुप ले लिया अंडर मल्टीप्लीकेशन, देन ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो ए होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये हमारा पहली चीज है जो हमें प्रूव करनी है। दूसरी चीज है कि ए इंटू बी का जो इनवर्स होगा वो होगा बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। हम प्रूव कर रहे हैं, अगर मैं गौर करूं ए का इनवर्स बी होता है इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा। अगर ये चीज होल्ड करती है तो ए का इनवर्स बी के इक्वल हो जाता है। हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो ए के इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। टू प्रूव, अगर हमें ये प्रूव करना है तो देखो, अगर ए का इनवर्स हमें बी प्रूव करना होता तो हम ये चीज प्रूव करते हैं। अब अगर मैं गौर करूं ए का इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ए इनवर्स इनटू ए वो क्या होगा, ऑब्वियसली है कि ये आइडेंटिटी ही है तो ये होल्ड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमेशा होल्ड कर रहा है क्योंकि ए का जो इनवर्स है वो ए तभी होगा जब ये चीज होल्ड करेगी, और ये हमेशा होल्ड करती है क्योंकि ए इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स और ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हमेशा ऑब्वियसली ट्रू है, तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। यहां से तो हमारे पास पहला तो रिजल्ट प्रूव हो गया। दूसरा रिजल्ट हमें जो प्रूव करना है वो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू दिस, यानी ए बी का जो इनवर्स है वो इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी के इक्वल शो करनी है। तो हम क्या करें पार्ट टू के लिए, अब हम पार्ट टू की बात करते हैं। पार्ट टू में क्या करना है कि अगर इसको इसका इनवर्स इसको प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे ए बी इनटू दिस, ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, ये हमें आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां से हम क्या करें, ये ब्रैकेट हम खोल देते हैं और यहां लगा देते हैं। हमें पता है B इनवर्स इज इनवर्स ऑफ B, तो ये आइडेंटिटी बना देंगे। तो यहां से हमारे पास बन गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम किसी से मल्टीप्लाई करें वो वही वापस ये एलिमेंट होगा। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो यही एलिमेंट आ जाएगा A इंटू A इनवर्स, और A इंटू A इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो यहां से जब हमने इसको लेफ्ट में रखा और इसको राइट में रखा तो ये आइडेंटिटी आ गई। अब हम चेंज करते हैं, अब B इनवर्स A इनवर्स को इस साइड रख लेते हैं और A B को इस साइड रख लेते हैं, ब्रैकेट फिर चेंज कर देते हैं, B इनवर्स A इनवर्स A B। अब A इनवर्स A आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया B इनवर्स आइडेंटिटी B। और ये फर्दर या तो इससे मल्टीप्लाई कर लो या इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये हमेशा B इनवर्स B ही देगा और B इनवर्स B आइडेंटिटी के इक्वल होगा। जब हमने इसे लेफ्ट की साइड से मल्टीप्लाई किया तब भी आइडेंटिटी आ रहा है, राइट की साइड से मल्टीप्लाई किया तो भी आइडेंटिटी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए। देयरफॉर ए बी का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हैंस प्रूव।